हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। एक बार फिर से एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। इन्वेस्टिंग को बिल्कुल सिंपल और क्लियर वे में समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। ये जो प्रेजेंटेशन है, ये वीडियो है, इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए है। मैं लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? आप किसी न किसी चीज़ में खुश होते हैं ना, कुछ ही काम को करके, कुछ नया करके। तो व्हाट मेक्स यू हैप्पी? बाय ए न्यू कार, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, और बाय सेकेंड होम, रिटायर्ड वेल, और गेट रिच एट एंड डू व्हाट यू लाइक टू डू। देर मे बी सम अदर पॉइंट्स जिनसे आप खुश होते होंगे। हाउ इज इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग करके आप खुश होते हैं? जर्नी ऑफ थाउजेंड स्माइल्स बिगेंस विद स्मॉल स्टेप। आपने ये कोटेशन बिल्कुल सुना होगा। ऐसे ही एक जर्नी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बिग थिंग्स ऑफ्टन हैव स्मॉल बिगनिंग्स। छोटी सी शुरुआत, शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1000 किलोमीटर का सफर भी पहले कदम से स्टार्ट होता है दोस्तों। सो माले की बिल्डिंग भी पहले नींव जो होती है ना, उससे स्टार्ट होती है। 100 रन बनाने से के लिए ना, 1 रन बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है, कि पहला रन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शतक तभी तो बनेगा, अगर पहला ही रन नहीं बनेगा तो शतक कैसे बनेगा। तो आज हम है ना चाइनीज बेम्बो ट्री के बारे में, हाउ ये चाइनीज बेम्बो ट्री कैसे उगता है, इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मे बी समथिंग आप कुछ लोगों को ये स्टोरी पहले से सुन रखी हो, बट मैं भी अपने तरीके से इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। होप यू लाइक इट। भाई, पेड़ उगाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? पानी, जमीन और सनलाइट। उसको रेगुलर मिलती रहनी चाहिए। आप अपना सपोज करो, आप अपना पौधा लगाते हो तो उसके लिए क्या करोगे? डेली पानी लगाओगे, पानी दोगे उसको और उसकी देखभाल करोगे। सपोज करो आपने कुछ पौधे उगाए हैं, चाइनीज बेम्बू ट्री, आपने पौधा उगा दिया, उसको पानी दे रहे हो और रेगुलर उसको देख रहे हो, देखभाल कर रहे हो। एंड आफ्टर 1 ईयर यू सी नथिंग। 1 साल बाद भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ पौधा ही नहीं हुआ आपका, उग के सामने ही नहीं आया कुछ। आफ्टर सेकेंड ईयर यू स्टिल हैव एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इवन आफ्टर 4 ईयर्स देर इज नो विजिबल विजिबल साइन ऑफ एनी ग्रोथ। 4 साल बाद भी आपके बेम्बो ट्री में कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ पौधा उग रहा है कि नहीं उग रहा है। तो यहाँ पे मन में कुछ क्वेश्चन तो आएंगे कि हो क्या रहा है भाई मेरे पौधे के साथ, है ना? मेरा पौधा उग रहा है कि नहीं उग रहा है, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे माइंड में। बट माय डियर फ्रेंड, बेम्बो ट्री के बारे में क्या है? बेम्बो ट्री उगने से पहले अपना जो जड़ें हैं उसको मजबूत बनाता है। इट कीप डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर रोबस्ट फ्यूचर ग्रोथ। फाइनली आफ्टर 5 ईयर यू सी ए स्मॉल स्प्राउट ऑफ ग्रोथ। एक छोटा सा अंकुरित सा पौधा नजर आएगा आपको 5 साल बाद। ये एक शुरुआत है। विद इन 6 वीक ये छोटा सा अंकुरित पौधा ग्रो हो जाता है, 90 से 100 फिट तक हाइट चला जाता है इसका। टू सपोर्ट द गिगेंटिक साइज एंड द फॉर द ट्री टू सर्वाइव द हार्डेस्ट कंडीशन इट टुक 4 ईयर टू डेवलप ए रूट सिस्टम। इसको रूट सिस्टम को डेवलप करने में 4 साल लग गए दोस्तों, और 5वें साल के बाद आपको देखो रिजल्ट, देखो इसके कितने बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। 90 से 100 फिट विद इन 6 वीक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, है ना सरप्राइजिंग? पेशेंस ऑलवेज पेज। सिंपल यही तरीका आपके SIP के साथ भी होता है। दिस इज हाउ इवन योर SIP वर्क्स। यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट पीरियोडिकली टू मीट अ बिग गोल्स। इवन अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 अ मंथ कैन मेक यू ए करोड़पति इन 25 ईयर्स। आपका ना खाली 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट भी आपको करोड़पति बना देता है 25 साल में। कैसे? ये देखो, मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन मैंने की है आपके लिए। देखिए, एज यू ले फाउंडेशन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू ईयर्स यू माइट नॉट सी ग्रोथ। क्या होता है कि जैसे बेम्बो ट्री है, बेम्बो ट्री उगाया आपने, पहले 4-5 साल कुछ नहीं नजर आया, बट 5वां साल कंप्लीट होने के बाद अगले जो 6 से 8 हफ्ते में जो ग्रोथ दिखाता है, वो वही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आपने 100 माले की बिल्डिंग कभी देखी है? 100 माले की, 70 माले की, 50 माले की बिल्डिंग,
सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है? उसकी फाउंडेशन में लगता है। फाउंडेशन मजबूत होगी तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी ना, ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएगी। अब देखते हैं आपकी जो 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है वो कैसे ग्रो होती है 1 करोड़ रुपए में। समय कितना लग रहा है? 25 साल का। इसमें मैं केवल है ना 12.5% के ही रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूँ। मार्केट में ऐसे म्यूचुअल फंड भी है, मैंने मेरे क्लाइंट्स के पास भी हैं जो 15 to 18%, 20% से ऊपर भी रिटर्न्स दिए हैं, बट मैं केवल एक एवरेज 12.5% का रिटर्न मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सपोज कीजिए आपने एक SIP स्टार्ट की, 5,000 रुपये प्रत्येक महीना, 5 साल में आपकी जेब से कितना खर्च हो गया? 3 लाख रुपये। उसकी वैल्यू कितनी बनी है 5 साल बाद? 4.2 लाख रुपीज़। डिफरेंस कितना है? 1.2 लाख का। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 लाख खर्च हो गया, 4.2 लाख बना हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू तो नहीं बढ़ी। बट असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ से शुरू होती है। आपके पेशेंस यहीं पे चेक होते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर में आपका खर्चा कितना और बढ़ेगा? आप 3 लाख रुपये और निवेश करोगे, बट जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 4.2 से 12 लाख हो जाती है। कितना? 3 गुना। इधर कितना खर्च हुआ? 3 लाख एक्स्ट्रा खर्च हुआ। उधर कितना बढ़ा? 3 लाख से ट्रिपल हो गया पैसा, 8 लाख रुपये बढ़े 5 साल में। और अगले 5 साल में क्या होगा आपका? 10 से जब 15वें साल में जाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट में 3 लाख रुपये और ऐड होंगे, बट आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना जा रही है? 12 से 26 लाख रुपये, 14 लाख का गेन हो रहा है उधर, खर्चा 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा। 15 साल से 20वें साल में जाओगे तो क्या हो रहा है? खर्चा वही आपका 3 लाख रुपये ऐड हो रहे हैं, बट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है? 26 से 54 लाख रुपये। कितना ऐड हो गया? 28 लाख रुपये ऐड हो गया इधर। जब आप 20वें साल से 25वें साल में जाते हो, समय कितना दिया? 5 साल। इन्वेस्टमेंट कितना एक्स्ट्रा हुआ? 3 लाख रुपये, बट उधर कितना ऐड हुआ? 50 लाख रुपीज़ ऐड हो गया। दिस इज़ हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, और दिस इज़ मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने दोस्तों मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं हमेशा यूज़ करता हूँ वर्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जिसको आपको फायदा उठाना चाहिए। एज द ईयर्स गो बाय, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हेल्प यू टू स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ग्रोज बिग। पैसा बहुत बढ़ता है दोस्तों, बहुत। पर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एक एक कदम उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, डोंट वेस्ट योर टाइम टू और डिले योर SIP। स्टार्ट एन SIP एज सुन एज पॉसिबल। हर घर के अंदर एक SIP होनी चाहिए, एक SIP तो जरूर होनी चाहिए एटलीस्ट। मैक्सिमम कितनी भी कर सकते हो, आपकी जेब अलाउ करे तो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, SIP जरूर होनी चाहिए घर के अंदर। इन्फ्लेशन को बीट करती है SIP। फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी, माई मोबाइल नंबर इज 8860188222। हम इन्वेस्टमेंट एसेट अलोकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, आपके पैसे को हम डिवाइड करके अलग अलग एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। वी कीप मैनेजिंग पोर्टफोलियो ऑफ अवर क्लाइंट। हम अपने क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए। आज मैंने डिस्कस किया आपसे कि 5,000 रुपये से 1 करोड़ का सफ़र कैसे तय हुआ। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना है आपको तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा 10,000 रुपये से प्रत्येक महीने से निवेश करने से कैसे बनेंगे 15 करोड़ रुपये। तो अपना चैनल मनी मंत्रा दोस्तों जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।